नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं संदीप तिवारी आप सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट विद आलोक पे। हम सभी बहुत ही तन्मयता के साथ आपके लिए जुटे हुए हैं। आपकी सफलता की इस यात्रा में जो हम लोगों ने प्रारंभ करी है, आलोक सर के मार्गदर्शन में चीजें आपकी चलाई जा रही है, आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, और आप सभी हमारी ऊर्जा के सोर्स हैं, क्योंकि आप सभी के ही इंस्पिरेशन से हम लोग यहाँ पर काम करने में एक एनर्जी प्राप्त करते हैं। और यह बात हमको एक प्रकार से आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए आप सब पूरी तरह से अच्छी तरह से इस बात के संज्ञान में रहते हैं। हम सभी आपकी ही एनर्जी पर काम करते हैं, आपकी तरफ से प्राप्त की गई ऊर्जाओं से ही हम लोग यहाँ पर वसीभूत होकर के चीजों को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। संस्थान में पिछले कुछ दिनों से तमाम सारी गतिविधियों को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें कई सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी का बैच सक्सेसफुली चल रहा है और तमाम सारे जो लोग देख पा रहे हैं अभी, वो लोग इस चीज को भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर पा रहे होंगे कि हम लोग सभी टीचर्स आलोक सर के निर्देशन में, नवीन सभी सर के नेतृत्व में ये सब सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। क्लासेस आपकी सक्सेसफुली चल रही है, एक शेड्यूल के माध्यम से आपको पीडीएफ नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी प्रकार से आपको सारी चीजें दी जा रही है। संस्थान की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसके माध्यम से हम सब कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आप सबकी उन बैचेस के लिए प्रोवाइड करें जिसके एग्जाम आपके नजदीक है, जो आपके एग्जाम जल्दी से होने वाले हैं, और वह कुछ ऐसे कॉमन प्रश्न, वह ऐसे कुछ अभ्यास प्रश्न तमाम विषयों के विषय विशेषज्ञों के माध्यम से आप सबको देने की कोशिश में हम लोग आलोक सर के निर्देशन में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में मैं आज आपको मैथ विषय की, गणित विषय की कुछ ऐसे अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि किसी एक जनरल चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, एक कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपकी सफलता में एक भी प्रश्न सही कराने का रहेगा। अगर एक भी प्रश्न मैं आपके अपने माध्यम से सही करा पाता हूँ तो यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी। किसी भी हालत में अगर हमसे आप थोड़ा सा भी एनर्जी, थोड़ा सा भी ऊर्जा चाहते हैं, हालांकि हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है बेहतर करें, 100% करें, लेकिन यह कहने की बात होती है। हम कभी भी मैथ विषय को लेकर या किसी भी विषय को लेकर हम इस बात की पूरी तरह से सिक्योरिटी ले नहीं सकते, ना तो दे सकते कि हम कह दें कि हमने सब करा दे। या उड़ी उड़ी बातें होती, कई सुनी बातें होती, इन सब बातों पे हमको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हम अपनी इन्वॉल्वमेंट अच्छे गाइडलाइन में, अच्छी तरह से, अच्छी स्ट्रैटेजी पर फोकस होकर करेंगे, या हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से प्लान करके रखते हैं, और वही लोग जो इसको करके रखते हैं वो उन 5% में होते हैं जो सफलता के नजदीक होते हैं और सफलता के लिए पूरी तरह से तटस्थ होते हैं। संस्थान अपनी गुणवत्ताओं के लिए, अपनी प्रतिबद्धता के लिए पूरी तरह से तटस्थ है, आप सबकी उन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिसके लिए संस्थान जिम्मेदार है। हम सब किसी भी हालत में किसी भी तरह से इस पक्ष में नहीं रहते कि किसी भी चीज को हम लोग जो है आपको गलत तरह से प्रोवाइड करें। हमारी हमेशा यही एनर्जी है, ऊर्जा रहती है, हम लोग हमेशा यही सोच में काम करते हैं। हालांकि गलतियां एक इंसान का स्वाभाविक चरित्र होती है, चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम उन गलतियों से नहीं भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आज हम आपके सामने मैथ विषय के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आए हैं। मैं उन प्रश्नों से आपकी इस क्लास की शुरुआत करूंगा। आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि जो लोग इन टॉपिक को पढ़े हैं वो लोग इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, जो नहीं भी पढ़े हैं अपनी अपनी ऊर्जा के साथ, अपनी अपनी एनर्जी के साथ, या अपनी जानकारी के अनुसार आप कमेंट बॉक्स में आकर के इस पर अच्छे तरह से ऊर्जावान बने रहेंगे और चीजों को अच्छी तरह से एक्टिव बनाए रखेंगे। प्रश्नों की शुरुआत में यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों से करता हूँ। हालांकि 10 प्रश्नों की संग्रह है आपके सामने, 10 प्रश्नों का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज इस क्लास के माध्यम से आप देख पाएंगे। एक एक प्रश्न से मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। आपके सामने पहला प्रश्न बोर्ड पर रहेगा, जो यह प्रश्न बहुत ही ऐसे प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के चरित्र को देखते हुए, आपकी परीक्षा के नेचर को देखते हुए बनाए गए हैं। जिस प्रकार के एग्जाम में रिक्वायरमेंट है प्रश्नों की, जैसे कि हम लोग इस बैच को पूरी तरह से दो टॉपिक के लिए, दो कोर्सेज के लिए पूरी तरह से इस जो श्रृंखला को हम करा रहे हैं, हम दो कोर्सेज के लिए तटस्थ किए हुए हैं। एक तो आपका सुपर टेट, मैं आपको जानकारी दे दूं, एक तो सुपर टेट, हालांकि थंबनेल में सारी चीजें आपको बताई गई है। एक तो हम इसको सुपर टेट के लिए सोच कर रखते हैं बहुत अच्छी तरह से, अभी सुपर टेट का ऐसा कोई एग्जाम अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरी चीज, खंड शिक्षा अधिकारी दी गई, ऐसे प्रश्न जो कि एक ही प्रकार के बोर्ड के द्वारा, एक ही प्रकार के आयोग के द्वारा, एक ही स्टेट के अंदर होने जा रहे हैं, इसलिए प्रश्नों का वही लेवल होता है, वही तरीका होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब भी प्रश्न बनाए जाते हैं, ये सब बातें हैं और स्पष्ट है, यही होता ही है, जब भी प्रश्न बनाए जाते हैं चाहे जिस भी प्रकार की परीक्षा अगर एक प्रदेश में हो रही है, तो प्रश्नों का कलेक्शन प्रोवाइड करने का एक सिस्टम होता है संस्था सरकार के पास, और वो प्रश्न वहीं से उठाए जाते हैं, लेवल अप डाउन करके उठाए जाते हैं। तो प्रश्न का नेचर शब्द वही रहते हैं, मैं उन्हीं प्रकार के शब्दों का चयन करा हूँ हर प्रश्नों में, और वैसे ही वैसे प्रश्न उठाए गए जैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, आप सब देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है इस प्रश्न में कि एक संख्या, एक कलेक्शन है, आप देखिए 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28,
इसमें हमसे पूछा गया किस संख्या से पूर्णता विभाजित होगा, यह प्रश्न आपके सामने है। इसमें लिखा केवल सम संख्याओं से। सम संख्या का अर्थ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जिस संख्या के अंत में शून्य हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो, वह संख्या सम होती है। केवल विषम संख्या की बात अगर करें, जिस संख्या के अंत में एक हो, तीन हो, पांच हो, सात हो, नौ हो, वह संख्या विषम होती है। इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं। एक और हमारे पास प्रॉपर्टी के आधार पर लाइन लिखी है, तीसरी लाइन जो लिखा है केवल अभाज्य संख्याओं से। आपको अभाज्य संख्याओं की जानकारी भी मैंने पब्लिक क्लास में सारी चीजें मैंने दे रखी है ऑलरेडी। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की बात करें, उन संख्याओं को सोचते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी से पूर्णता विभाजित नहीं होते हैं, जिनकी केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, वह संख्याएं समूह आपके पास दो होती है, तीन होती है, पांच होती है, सात होती है, ग्यारह होती है, तेरह होती है, मतलब ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके केवल दो ही गुणनखंड समूह है, वह संख्या स्वयं और एक। तो मुझे कहा गया कि निम्नलिखित में से ये जो संख्या समूह है वह किससे पूर्णता विभाजित होगा, क्या वह केवल सम संख्याओं से हो रहा है, क्या वह केवल विषम संख्याओं से हो रहा है, क्या वह केवल अभाज्य संख्याओं से हो रहा है या कॉम्बिनेशन से हो रहा है। इसकी जानकारी करने के लिए जब मैंने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया तो मैंने थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन समझा, इसके गुणनखंड के रूप में लाने की कोशिश की। मैंने देखा सभी का आधार समान था, तो मैंने उस आधार समान को देख करके प्रत्येक में से सबसे जो छोटी घात थी उसको कॉमन ले लिया। मैंने 3 की पावर 25 जैसे ही कॉमन किया, यहाँ पर 3 की पावर 25 हटकर केवल 1 होगा, यहाँ पर भी 3 की पावर 26 थी, तो अगर घात हम समान आधार देते हैं तो घातें घट जाती है भाग के दौरान, ऐसी स्थिति में केवल 3 की पावर 1 होगा, मतलब 3 होगा। यहाँ की बात मैं करूँ तो 25 27 से निकलेगा तो 3 की पावर 2 मतलब 9 बचेगा, इसी तरह से अगर 28 में से 25 निकलेगा तो 3 की पावर 3 मतलब 27 निकले बचेगा। अब अगर हम प्रत्येक को जोड़ दें तो 27 3 30 10 40 होता है, मतलब 3 की पावर 25 गुणे आपके सामने 40 हो गया। अगर मैं बात इसकी करूँ इसके फैक्टर्स की, इसके एक्सप्लेनेशन की, तो आपको पता है यहाँ पर 3 है वो भी 25 बार, यहाँ की बात मैं करूँ तो 2 है 3 बार मतलब 8 है, और 7 7 आपके सामने 5 है। संख्याएं जो कट रही है वो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है। अब अगर बीच की देखा जाए 3 गुणे 2 6 से भी कटेंगी, 9 से भी कटेंगी, मतलब कुछ इन प्रकार की संख्याओं से कटने की स्थिति हमारे सामने बन रही है, जिनमें आप देखिए तो आप सम संख्या भी प्राप्त कर रहे हैं, विषम संख्या भी प्राप्त कर रहे हैं, अभाज्य संख्या भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ना तो केवल इससे काम चलेगा, ना तो केवल इससे काम चलेगा, ना तो केवल इससे काम चलेगा, जो काम चलेगा वह सी ऑप्शन से चलेगा, 3 4 5 6 की सब कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं जो कि इस संख्या समूह इस सीरीज को डिवाइड करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। अगर मैं केवल इसकी रिस्ट्रिक्शन दूंगा तो हमारा आंसर गलत होगा, इसका भी गलत होगा, इसका भी गलत होगा। तो तीसरा ऑप्शन आप सब लोग इस प्रश्न के लिए श्योर कर सकते हैं, लगा सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए ये आपका बीजगणित का प्रश्न है। आप सबकी परीक्षा में बीजगणित का बड़ा रोल होता है। यहाँ पर एक प्रकार का हमारे पास समीकरण दिया गया है, समीकरण या इस समय क्यूबिक समीकरण है। क्यूबिक वह समीकरण होता है जिसकी घात अधिकतम 3 हो, सबसे बड़ी घात अगर 3 हो तो ऐसे समीकरण को क्यूबिक समीकरण कहते हैं। और यह क्यूबिक समीकरण जो होते हैं त्रिघातीय समीकरण जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार के समीकरण में जो सब आंसर की बात किया जाए मतलब मूलों की बात किया जाए, इसमें 3 मूल संभव है, मतलब इसके सोल्यूशन की बात किया जाए तो 3 मान संभव, सोल्यूशन में इसके 3 हल संभव होंगे। मान जो होता है, जो हल होता है वो बड़ी घात के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे कभी कोई समीकरण रैखिक हो, लीनियर, मतलब घात मैक्सिमम 1 हो तो उसका केवल 1 हल संभव होता है, जबकि अगर घात 2 हो तो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहा जाता है, और उस द्विघात समीकरण में हमेशा 2 सोल्यूशन 2 हल संभव होते हैं। इसी प्रकार से अगर घात 3 है तो 3 हल संभव होंगे, हालांकि उसने हमसे कहा कि एक ही किस मान, देखिए एक अल्फाबेट उसने रखा है समीकरण में, एक ही किस मान के लिए यह समीकरण सदैव x-2 से पूर्णतः विभक्त होगा, विभाजित होगा। इसका मतलब इस समीकरण का यह एक गुणनखंड बनना चाहता है। इसको बनने के लिए अगर हम x का यह मान जिसको हम x-2 को हम इस समय तो फैक्टर मतलब गुणनखंड कहेंगे, अगर यह पूरी तरह से डिवाइड कर पाएगा, साथ साथ x=2 को मूल कहेंगे या रूट कहेंगे, जो कि इस समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेगा। संतुष्ट तभी कर पाएगा जब a का ऐसा कोई मान हो जिसको रखने पर यहाँ पर यह समीकरण 0 बन जाए, शून्य बन जाए। कहीं कहीं इसको शून्य भी बोलते हैं, जो ये रूट होते हैं इसको शून्य बोलते हैं, मतलब 0 बोलते हैं। ऐसी किसी भी परीक्षा प्रश्न की स्थिति में आपको इस फैक्टर का जो मूल हो
उस मूल को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। पुट करते ही अगर मान लें हम शून्य के बराबर, मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समीकरण से हमने दो ज्ञात किया है और मैं अगर इसको यहाँ पर पी एक्स या एफ एक्स मानकर चलूं, तो ऐसी दशा में अगर मैं पी आप टू को जीरो कर पाऊं, तब जाकर के ए का वह मान मैं निर्धारित करने लायक हो पाऊंगा, जिस मान को रखने से यह समीकरण का एक्स माइनस टू एक फैक्टर होगा, मतलब गुणनखंड होगा। मतलब अपने पूरे समीकरण में आप x की जगह पर 2 रखेंगे और शून्य के बराबर इवैल्यूएट करेंगे। 2 रखते ही यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 10 होगा, प्लस a होगा बराबर शून्य होगा, मतलब माइनस टू। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 4 12 में से 2 निकलेगा, तो प्लस 2 प्लस a बराबर 2 शून्य है, a का मान माइनस 2 होगा। अगर हम अपने समीकरण में a की जगह पर माइनस 2 पुट कर दें तो x माइनस 2 उसका एक गुणनखंड कहलाएगा, उसका एक फैक्टर कहलाएगा, और x इक्वल टू 2 उसका एक मूल कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। तो आप मेरी इस बात को भी समझ पा रहे होंगे, इस तरह के प्रश्नों पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न बी ऑप्शन सही उत्तर दे पा रहा है, आप सभी नोट करिए अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न मेरे सामने देखिए, एक आपको इंडिसेस का घातांक का प्रश्न दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं और इस प्रकार का एप्लीकेशन कई बड़े बड़े प्रश्नों को भी आसान करने में आपकी हेल्प करता है। मैंने जब कभी भी इस तरह की बातें आपके खंड शिक्षा अधिकारी में आपको पढ़ा रखा है, अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जो लोग मुझे लाइव देख पा रहे हैं अभी, वो लोग इस तरह के प्रश्नों पर उत्तर रिस्पॉन्स अपने आप से कर सकते हैं। जब भी किसी भी रूट में अगर nth रूट लगा हो, दिस रूट विल बी द फ्रैक्शनल पावर ऑन द होल बेस, कंप्लीट बेस पर या भिन्नात्मक घात होगी। साथ साथ मैंने अभी बता रखा है, जितनी भी घातें लगी होती है, घात की घात हमेशा गुणा हो जाती है। जैसे अगर किसी की घात मान लीजिए हमने ऐसे लगा रखा है, फिर से मैंने ऐसे लगा रखा है, यह सारी की सारी घातें आपस में गुणा हो जाती है। कभी भी रूट एन लगा है, रूट एन लगा है एक्स के ऊपर, तो एक्स की पावर एक बटा एन लिख दिया जाता है, एक्स की पावर एक बटा एन लिख दिया जाता है। उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। आधार एक्स स्क्वायर है, मैंने लिख दिया सिंपली, जो रूट में पावर लगा वैल्यू लगी है उसको डायरेक्ट पावर एक बटा आप एन लगाइए, एक बटा एन लगाइए, गुणे आपके पास यहाँ पर एन बटा दो लिखा है, एन बटा दो लगाइए, और ऑलरेडी आपके पास दो लगा है दो लगाइए, जो पॉसिबल थे पहले उनको काट दीजिए, आपके पास एक्स स्क्वायर ही बच रहा है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर कहीं डी ऑप्शन में आपको प्राप्त हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, जो कि डी ऑप्शन से आपको सही सही तरह से प्राप्त हो जाएगा। मेरी बातें कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आ रही होंगी, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये सब चीजें जो संस्थान में रन कराई जाती है, जो चलाई जाती है, आप सब लोग उसके साक्षी हैं, आप लोग उसके जानकार हैं, सारी चीजों को आप जानते हैं समझते हैं, जो हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं। संस्थान में आप सभी लोग का हमेशा स्वागत रहता है, आप सभी लोग संस्थान से जुड़ते रहते हैं और हम लोग इससे बड़े मतलब हम लोग को इससे बहुत बड़ी बड़ी ऊर्जा मिलती है, हम लोग को एनर्जी प्राप्त होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संस्थान से जुड़ने के कई सारे सोर्सेस होते हैं, बहुत तरह से आप लोग संस्थान से जुड़ते हैं, बहुत इरिटेट भी होते हैं जब आपके मैसेज आते हैं बल्क में और रिप्लाई आपको नहीं मिल पाता है, तुरंत नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हम लोग जैसे जो नंबर प्रोवाइड किए, क्योंकि व्यस्तता इतनी ज्यादा इन लोगों की होती है कि वजह से आप सबको प्रॉपरली नहीं, हालांकि हमारे वीडियो के नीचे भी एक पट्टी चल रही होगी जिसमें तमाम सारे नंबर दिए गए होंगे। अगर आप संस्थान की किसी भी एक्टिविटी में गतिविधि में अपनी एनरोलमेंट को दिखाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आपको मैं अभी भी यही कहूंगा कि आप लोग उस नंबर पर बात करें, बात करके अपनी एनरोलमेंट को फिक्स कराएं, रजिस्ट्रेशन को अपने फिक्स कराएं। किसी भी प्रकार से आप, जरूरी नहीं कि आप एडमिशन लें, आप किसी भी तरह की इंक्वायरी, कोई भी प्रकार की क्वेरीज के लिए आप जो है संस्थान से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ संस्थान की जो करंट गतिविधियां हैं, जो इस समय की रनिंग गतिविधियां हैं, आप सबको पता है दो बैचेस, जैसे एक बैच आप लोग का, एक बैच आपका खंड शिक्षा अधिकारी का बैच, खंड शिक्षा अधिकारी का बैच जिसकी 20 लेक्चर लगभग हम लोग के हो चुके हैं। मैं नहीं कहूंगा खंड शिक्षा अधिकारी में इस समय आप हमसे जुड़िए, लेकिन अगर आप फिर भी इतनी हिम्मत रखते हो कि हम 6 से 7 क्लास प्रतिदिन कर सकते हैं, तो आप खंड शिक्षा अधिकारी की बैच में हमसे जुड़ सकते हैं। उसका नंबर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे कि जो संस्थान की खंड शिक्षा अधिकारी से जुड़ने का जो नंबर है वह ये है, इस पर आप व्हाट्सएप पे जाकर के इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप एंट्री फार बीईओ लिख करके अगर जैसे हमें मैसेज करते हैं, संस्थान के जो एग्जीक्यूटिव होती है, टेली कॉलर होती है, आपसे संपर्क करती है और आपको जो है बैच में जुड़ने का माध्यम बताती है। नंबर 8382 9556।
या तो पुराना बैच है, मतलब 20 से 25 क्लासेस लगभग सबकी हो गई, आप सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन सुपर टेट जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसकी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और कल परसों से संभवतः इसकी क्लास आपको सुचारू रूप से बैच में मिलनी शुरू हो जाएगी, उस पर भी अगर आप अपनी एनरोलमेंट को दिखाना चाहते हैं और आप इससे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम लोग के पास, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैसेंजर पर और तमाम जगहों पर इतने मैसेजेस आते हैं कि हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हम लोग जब भी पब्लिक क्लास में जाते हैं तो सारी सूचनाएं लेकर जाते हैं। आप अगर हमसे जुड़े हैं तो आप इन बातों को समझिए कि यहाँ पर सुपर टेट का भी एक नंबर दिया गया है 9225423936, 9225423936, इसमें तो आप आंख बंद करके, इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का है कि 20 से 25 अगर आपके अंदर क्षमता हो तो आइएगा, नहीं तो मत आइएगा, मैं आपको कहूँगा आप पब्लिक क्लास में जो आपको मिल रहा है उससे भी अपनी तैयारी काफी हद तक कर सकते हैं, इतनी कमी नहीं है, लेकिन सुपर टेट में तो मैं कह दूंगा कि आंख बंद कर आइए, क्योंकि अभी वहां पर सुचारू रूप से क्लासेस लगभग एक दो दिन के बाद ही स्टार्ट होगी, तो आपको उसमें कोई टेंशन नहीं, आपको फर्स्ट क्लास से ही आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो पाएंगी। आपको हम लोग जो क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, आप जानते हैं, आप हमसे अगर जुड़े हुए हैं किसी माध्यम से तो आप इस बात को जानते हैं कि हम लोग का जो सिस्टम है उसमें आपको जो लाइव क्लासेस के माध्यम से हम पीडीएफ, साथ साथ यहाँ पर टेस्ट सीरीज और इस तरह की तमाम सारी गतिविधियों में आपको इनरोल करते हैं, आपको तमाम तरह से जोड़ करके हम सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करते हैं। किसी भी प्रकार के बिना किसी कंफ्यूजन के आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और संस्थान की गतिविधियों में अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से, जीवन में अगर हमें कुछ हासिल करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बातें हो, अगर आपने जीवन में निर्धारित गोल को टारगेट किया है तो उस टारगेट गोल को निर्धारित करने के लिए व्यस्त बनिए, अस्त व्यस्त ना बनिए। मैं आपको व्यस्त बनिए, व्यस्त मतलब अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करिए, उसकी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, उसकी अच्छी प्लानिंग में अपने आप को झोंकिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत बनिए कि आप भटकिए इधर से उधर से उधर से उधर, जब तक गोल डिसाइड करके आप एक सही डायरेक्शन में अपनी व्यस्तता, अपनी बिजनेस को नहीं इन्वॉल्व करते हैं तब तक वो चीजें संभव नहीं है जो चीज आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। आप पाएंगे कुछ कम कुछ ज्यादा कुछ इस तरह के अनबैलेंस सिचुएशन में अगर आपने जीवन में अपने आप को अस्त व्यस्त, अगर मुझसे कोई कहे तो मुझे मेरे पास बहुत समय रहता है जबकि बहुत काम भी रहता है, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ भी काम नहीं रहता लेकिन फिर भी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। अगर आपने निर्धारित कर रखा है कि मुझे प्राप्त करना है तो अपने आप को व्यस्त करिए, अस्त व्यस्त मत करिए, मैं यही बातें आप लोगों से कहना चाहूंगा और आपसे अपनी जो भी हम लोग की तरफ से हो सकेगा उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। आते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में, तो प्रश्न जो हम लोग कर रहे हैं उस प्रश्नों में जैसे मैंने तीसरा नंबर आपको सॉल्व कराया, हम चौथे पर आएंगे। देखिए चौथा एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है और इस प्रश्न की बात किया जाए, यह प्रतिशत का प्रश्न है लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में और मैं अभी भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पर इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, पढ़ करके डिसाइड करिए। देखिए कहा गया ए तथा बी दो व्यक्ति है जिनके कुल वेतन की राशि 1500, हालांकि 1500 एक व्यक्ति आपके ए और बी दो लोग की आज की डेट में बहुत कम है, मान सकते एक दिन की वेतन की राशि दोनों की 1500 है, 1500 की वेतन राशि है, दोनों मिलकर कमाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जब हम प्रतिशत पढ़ते हैं तो मैं इस बात को कहता हूं कि हमेशा किसी बेस मान को, आधार मान को 100% माना जाता है। एक व्यक्ति अगर जो कमाता है हम हमेशा उसको कहते हैं वह उसके लिए 100% होता है, हमेशा किसी व्यक्ति की आय 100% होती है। आय को दो मदों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो खर्च, दूसरा बचत, खर्च और बचत। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं अपनी इनकम का 70% खर्च कर देता हूँ तो उसके पास उस इनकम का 30% बचत के रूप में रहता है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, कहा गया ए तथा बी का कुल वेतन 1500 रुपए, ए अपने वेतन का 90% जबकि बी अपने वेतन का 80% परिवार पर खर्च कर देता है। यदि उनकी बचतों का अनुपात 3:4 होता है तो ए और बी का वेतन ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस बात को समझा रहा हूँ, ध्यान देने की कोशिश करिएगा, आपको अभी सारी बातें सब स्पष्ट होती चली जाएंगी। जैसे हमने कहा अगर किसी व्यक्ति का वेतन 100, दोनों का वेतन अपने अपने लिए 100% होगा, उनके बचतों को फोकस किया गया है, उस बचत के फोकस पर ही हमें काम करना है। हमसे कहा गया देखिए अगर व्यक्ति ए का वेतन ए है, बी का वेतन बी है, मैंने ऐसे जनरल रूप से मान लिया, अगर वह ए जो है अपने वेतन का 90% खर्च करता है तो 10% बचाता होगा, या अगर 80% खर्च किया है तो 20% बचाता होगा। 10 और 20% का अनुपात अगर हम देखें तो 1:2, इसका मतलब अगर मैं कह दूं यह व्यक्ति एक ए बचाता है, मतलब एक ए बचाता है, जबकि यह दो बी बचाता है, टू बी बचाता है, जो जाकर के 3/4 के बराबर होता है। मैं दो से काट दूं, यहाँ पर कह सकता हूँ ए और बी के वेतन का जो अनुपात बनेगा वह 3:2 बनेगा, 3:2, ए और बी के वेतन का अनुपात 3:2 बनेगा।
3:2, अगर अनुपात आप पढ़े हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी कंप्लीट राशि को अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ए और बी का सम 1500, ए और बी का अनुपातिक मान कितना है 5, तो मैं इस ए और बी के अनुपातिक मान 5 को समतुल्य कर दूंगा 1500 के, तो एक का मान अब यहाँ से जैसे 5 बराबर अगर 1500 लिखा गया तो एक बराबर आप 300 लिख सकते हैं, जैसे ही एक बराबर 300 लिखेंगे ए की इनकम अगर ज्ञात करनी है तो ए के अनुपातिक भाग 3 है तो 3 बराबर आपका 900 हो जाएगा, जबकि अगर बी की बात हम करें तो बी का अनुपातिक भाग 2 है 2 बराबर आपका 600 हो जाएगा, 900 और 600 ए और बी का वेतन होगा जो कि आप भी आपसे से प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम 1500 की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए और बी में इनके इस दी गई परिस्थिति के आधार पर, तो ए और बी का वेतन 900 रुपए और 600 रुपए निर्धारित किया जा सकता है, जो कि डी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, डी ऑप्शन से इस प्रश्न का रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ पाए होंगे, चलिए अभी आप बात आप स्पष्ट कर पाए होंगे और पूरी तरह से सारे कंटेंट को सारे टर्म को आप समझ सकते होंगे। तो अब जैसे यहाँ पर बताया गया, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करूंगा, कुल इनकम प्रत्येक की हमेशा 100% होती है, उसमें से ए का हिस्सा जितना था उसमें उसने 90% खर्च किया था, 10% बचाया था, बी ने 80% खर्च किया था, 20% बचाया था, दोनों की बचत का अनुपात 1:2 हो गया जबकि वह समतुल्य है 3:4 के, तो 1 ए बराबर 2 बी बराबर 3:4, ए और बी का हम यहाँ पर अनुपात आयता निकाल सकते हैं 3:2 में अगर हम 1500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दें कुल राशि ए और बी की यहाँ पर 900 और 600 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन में प्राप्त होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आएंगे पांचवें प्रश्न में। पांचवा प्रश्न देखिए आपके सामने बड़ा अच्छा प्रश्न है, जो कि थोड़ा सा टिपिकल तब लगता है जब हम लोग उसको समझ ना पाते, अगर हम समझ पाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। यह साधारण ब्याज का प्रश्न है। साधारण ब्याज में मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। साधारण ब्याज में एक धनराशि होती है, मूलधन होता है, उस मूलधन को हम बी कहते हैं, उसको एक निर्धारित दर ब्याज से जो आर परसेंट होता है उससे हम लोग निवेशित करते हैं। मान लीजिए मूलधन है आपके पास, एक निर्धारित समय तक के लिए निवेशित करते हैं, मान लीजिए अल्प समय तक के लिए निवेशित करते हैं, तो ब्याज मतलब इंक्रीमेंट होता है। मैंने अपनी ब्याज में लगातार लोगों को इस बात को बताया कि हम ब्याज नहीं कहते, हम हमेशा इसको इंक्रीमेंट या वृद्धि कहते हैं। हम कह रहे हैं कि एक इंक्रीमेंट है जो डिपेंड करता है इस दर पर और इस समय पर, दर पर और समय पर। जो इंक्रीमेंटेड मान आता है हमेशा दर को, जैसे आर लिखा है प्रतिशत में, तो आर बटा इसको 100 लिखा जाता है, आर बटा 100 भिन्न मिलाने के लिए, एल मतलब समय है, अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो आर एन बटा 100 हो गया, मतलब जो इंक्रीमेंट है कुछ इस प्रकार से नोटिस किया जाता है। इसमें जो ऊपर का पार्ट है वह आपका ब्याज होगा, ऊपर का पार्ट ब्याज होगा, जबकि नीचे का पार्ट आपका मूलधन होता है। अगर हम इस तुलना से हम सॉल्व करें प्रश्नों को, मतलब आप केवल दर और समय को ही फोकस करिए, दोनों को आपस में रिलेट करिए, भिन्न के रूप में लाइए, जो उसका अंश होगा वह आपका ब्याज कहलाएगा, जो उसका हर होगा वह आपकी मूलधन कहलाएगी, मतलब जिस पर इंक्रीमेंट किया जा रहा है। आप चाहेंगे तो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फार्मूला कराने से कोई मतलब नहीं है, फार्मूले से आप बचने की कोशिश करिएगा ऐसे प्रश्नों में खास करके। यहाँ पर कहा गया, एक आदमी बैंक से 12,000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है, बैंक भी बड़ी चालाक है, ऐसे नहीं उधार ले रही है, वो कह रही भैया देखो पहले 4 साल तक की ब्याज दर हमारी 6% रहेगी, 4 साल के बाद अगर तुम लोन कंटिन्यू करोगे तो ब्याज दर 8% हो जाएगी, लेकिन अगर तुम 3 वर्ष के बाद मतलब 7 साल के बाद कंटिन्यू आगे करते हो तो ब्याज की दर हम लोग लगा देंगे अब 9%, अब जितना समय तक तुम्हें लेना है उतना ले लो, हमसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने शुरुआत किया, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, प्रथम चार वर्ष के लिए ब्याज की दर यहाँ पर 6% वार्षिक, 4 वर्ष से अगले 3 वर्ष के लिए मतलब 7 साल का कुछ है, मतलब 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर अब यहाँ पर हो गई 8% वार्षिक, 7 वर्ष के बाद ब्याज की दर 9%। अब डिसाइड करिए अगले 7 साल के बाद कितने और साल चलेगा, क्योंकि उसको 10 साल का लोन था, उसका 10 वर्ष का लोन था, 4 साल यहाँ बीता था, 3 साल यहाँ बीता था, तो आगे भी 3 ही वर्ष तो बचा होगा 10 साल में, तो 3 वर्ष और बचा है, ब्याज की दर हो गई है यहाँ पर 9%। अब मैंने जैसे आपको बताया कि शुरुआत में 4 वर्ष 6% की दर से, अगला 3 वर्ष 8% की दर से, अगला 3 वर्ष 9% की दर से, आप ये जो हमने स्ट्रक्चर अभी बनाने की कोशिश करी इसको भी बनाने की आवश्यकता एग्जाम में होती नहीं है, डायरेक्टली हम चाह करके प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। यहाँ बस ये अंतिम का समय थोड़ा केयरफुली आपको ध्यान देना होगा, बाकी समस्या की कोई बात नहीं है। यह 24% का इंक्रीमेंट होगा, यह भी 24% का इंक्रीमेंट होगा, या 27% का इंक्रीमेंट होगा, कुल ब्याज की बात किया जाए 24 48 27 75% का ब्याज होगा। ध्यान दीजिए मूलधन का 75%,
75% अगर भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, 3/4 होता है 100 से डिवाइड करके, मतलब जो 3 होगा वह तो ब्याज होगा, 3 होगा वह ब्याज होगा, जो 4 होगा वह मूलधन होगा, और मूलधन था कितना बताएं 12,000। तो 4 की तुलना हम 12,000 से कर सकते हैं आसानी के साथ, 4 बराबर जो 12,000 है तो मुझे तो ब्याज ज्ञात करना है जो कि 3 है, तो 3 का मान क्या होगा, 4 गुणा 12 3000 हुआ, 3000 को 3 से गुणा कर दीजिए 9000 रुपए का कुल ब्याज होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको साफ साफ लिख करके दिखाया गया है, बी ऑप्शन 9000 इस प्रश्न का सही उत्तर है, करेक्ट रूप से आप इसको लगा सकते हैं, 9000 रुपए बी ऑप्शन में आप लेकर के इस प्रश्न का सही आंसर कर सकते हैं, यही इस प्रश्न का उत्तर है। इस प्रश्न के इस उत्तर के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे, नहीं भी पाए होंगे एक बार रिवाइज करिएगा, साथ साथ आपको फिर से जब हम कोई सेशन लेकर आएंगे उसमें ऐसे ही और प्रश्नों को करा जाएगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। हालांकि मैं कहूंगा तुरंत समझिए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि आप ना समझ पाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, देखिए छठे नंबर पर आते हैं, तो छठा नंबर हमारे सामने बोर्ड पर है, ये भी एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। कहा गया कुछ बातें बताई जाती है जब साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बताया जाता है, उस दौरान हम यह बातें आपको थोड़ा सा बताते हैं इस बात को कि जो साधारण ब्याज होता है किसी भी निवेश पर प्रतिवर्ष समान मिलता है, मतलब पहले साल जितना ब्याज रहेगा उतना ही दूसरे, उतना ही तीसरे, उतना ही चौथे। चक्रवृद्धि ब्याज समय समय के साथ बदलता रहता है, पहले साल कुछ, दूसरे साल कुछ, तीसरे साल कुछ, चौथे साल कुछ, इसी प्रक्रिया में ब्याज बढ़ता चला जाता है। अब हमसे कहा गया, लेकिन एक बात और बताया जाता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के लिए सेम रहता है, जो साधारण रहता है वही चक्रवृद्धि रहता है। यह सब बातें थोड़ी जानकारी के लिए हमको रखनी आवश्यक है। कोई धनराशि थी 2 वर्ष का साधारण ब्याज उसका, अब देखो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हम लिख दिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और मैंने लिख दिया यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। आप मुझे एक बात बताइए कि 2 साल में हमको साधारण ब्याज मिल रहा है 600 और 2 साल में मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 640। देखिए यह पहला साल और यह है दूसरा साल, बड़ी आसानी के साथ आप इस प्रश्न का उत्तर समझ कर दे सकते हैं। आपको पता है कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है, अगर पहले 2 सालों में 600 है जिसको आप 300 और 300 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो पहले साल भी 300 होगा, दूसरे साल भी 300 होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज जो पहले साल का साधारण है वही रहता है, लेकिन दूसरे साल क्योंकि मिलाकर 640 है तो पहले साल 300 होगा, दूसरे साल 340 होगा, ये देखिए 340 कर दिया। आपको जो इंक्रीमेंट दिख रहा है 300 से 340 होना, वो कितने का दिख रहा है, 40 रुपए का, 40 का इंक्रीमेंट दिख रहा है हमें। जो 40 का इंक्रीमेंट अगर इसको प्रतिशत बनाना चाहें, क्योंकि 40 कितने में से बढ़ गया है, 300 में बढ़ा है, तो मैं लिख सकता हूँ 40×100/300, कभी भी प्रतिशत लाने के लिए आप समझ गए होंगे 40/3%, 40/3% की ब्याज दर। अगर मान लीजिए परीक्षा में हमसे पूछा जाता तो वह ब्याज की दर क्या थी, तो आप 40/3 बता देते, 13.3% की ब्याज दर होती, वही साधारण और चक्रवृद्धि दोनों की, आपको यह भी एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता कि 300 से 340 होना, मतलब 40 का इंक्रीमेंट और 300 में अगर हम प्रतिशत का रूप लगा दें तो किसी भी संख्या का प्रतिशत इंक्रीमेंट बनाने के लिए वह संख्या × 100/20, 20 आपका 300, 40/3 मतलब 13 से, लेकिन हमसे तो पूछा नहीं, हमसे तो मूलधन पूछा गया, तो हम उसको भी कन्फर्म कर सकते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा साधारण ब्याज पर, ब्याज की दर आपके सामने है, 2 साल का समय था, 2 सालों में आपको, 2 वर्ष में आपको 600 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, चलिए हम इसी को लगा देते हैं, भाई 40/3% है, 40/3% को अगर हम थोड़ा भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो कभी भी कोई प्रतिशत मान को भिन्न में लाने के लिए 100 से नीचे भाग दिया जाता है। अब 40/ में इसको अगर भिन्न में लिखूंगा तो 300 बना सकता हूँ, काटने पीटने पर या 2/15 हो जाएगा, तो भिन्नात्मक रूप इसका 2/15 हो गया, लेकिन 2/15 एक साल की बात के लिए, आपको दिख रहा है कि 2 सालों में साधारण ब्याज हमारा 600 हुआ है, जब एक साल में 2/15 है तो भैया 2 साल में 4/15 होगा, और मैं बार बार इस बात को आपको बताते आया हूँ भाई, देखो एक साल में आपका 2/15 एक वर्ष, और साधारण ब्याज हमको कितने साल के इवैल्यूएट करने की बात की, 2 साल की, तो 2 सालों में 4/15 है, यह आपका साधारण ब्याज है और यह आपका मूलधन है। आपसे पूछा क्या मूलधन है, साधारण ब्याज दिया है, इस 4 का मान हमको भैया 600 दिया है, साधारण ब्याज 2 सालों में 600 दिया है, हम चक्रवृद्धि नहीं ले सकते थे क्योंकि चक्रवृद्धि परिवर्तित होता रहता है, साधारण ले पाएंगे क्योंकि साधारण जो है नहीं बदलता रहता है, हर साल समान आता है, तो 600 है तो इस 15 का मान हमको ज्ञात करना है, 4 से डिवाइड करें 150 में, 150 को 15 से गुणा कर दें, 2250 रुपए का हमको मूलधन प्राप्त होगा, मतलब वह धनराशि 2250। इस कॉन्सेप्ट, इस प्रश्न को देखने से आपको 2 एहसास होगा, एक एहसास तो यह होगा
कि आपको पता चलेगा कि ब्याज दर क्या थी। दूसरा, हमसे मूलधन भी पूछा गया था, तो मूलधन को भी आराम से ज्ञात कर पाए हैं। डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा 2250। करेक्ट उत्तर आप लगा सकते हैं, इस प्रश्न का सही कंफर्म है। ये छठा प्रश्न या उत्तर है और इसको आप लगा करके अगले प्रश्न पर आइए। सातवां प्रश्न आपके सामने, मेरे की बड़ा अच्छा सा प्रश्न हमारे सामने बोर्ड, मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर कहा गया है कि दो शहर है ए और बी। एक शहर ए है, चाल दूरी समय का प्रश्न है। चाल दूरी समय आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, एक संबंध होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, यह जनरल जानकारी है। मैंने कुछ बातें आपको शायद पढ़ाया है एवरेज स्पीड के बारे में, पब्लिक क्लास में आप देख सकते हैं उसको जाकर के। बाकी जानकारी भी आप सबको इतनी तो अवेयर है, आपके अंदर अवेयरनेस है कि आप इसको समझ सकते हैं। दोनों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर की थी, 330 किलोमीटर। एक व्यक्ति एक रेलगाड़ी शहर ए से सुबह के 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुबह 8 बजे शहर बी की तरफ चलना शुरू कर दी। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आगे देखते जाइएगा, दूसरी चीज, शहर बी से दूसरी एक रेलगाड़ी लेकिन सुबह के 9 बजे, मतलब जब वह निकली तो यह लगभग यहाँ पहुंच चुकी। ये जो रेलगाड़ी आपकी ए थी, मतलब पहली रेलगाड़ी जो थी वह आपकी यहाँ पर पहुंच चुकी थी, तब यह चलना शुरू करी 9 बजे। यह 9 बजे चली और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। तो इसने पूछा कि दोनों कितने बजे आपस में मिलेंगे। यह प्लानिंग तब होती है जैसे दो लोग कहीं दूर दूर होते हैं और एक दूसरे से मिलने को निकलते हैं, तो कहते हैं भैया तुम भी निकलो मैं भी निकलो अपने अपने घर से, हम लोग जल्दी एक दूसरे को मीट कर पाएंगे, मिल पाएंगे। ऐसी दशा में दोनों की चालें प्रभाव डालती हैं, तब जल्दी से दोनों एक दूसरे को मिल पाते हैं। इस परिस्थिति को बड़ी आसानी से हम लोग टैकल कर सकते हैं, इस हिसाब से टैकल कर सकते हैं, जिस समय दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट होगा मिलने का, उस समय उनके बीच की दूरी थी 270। अब आप कहोगे 270 कहां से आ गया? आपको पता है कि एक घंटे जब यह चल ली पहली रेलगाड़ी, तब तो जाकर दूसरे ने चलना प्रारंभ किया। अब एक घंटे में अगर यह 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलती तो एक घंटे में 60 किलोमीटर कवर की होगी। 330 की अगर कुल दूरी थी तो एक घंटे में इसने 60 तय कर लिया, तो 270 ही किलोमीटर तो बचा होगा दूरी। अब 270 का ही कंपटीशन है, ए चल रही है 60 की रफ्तार से और बी चल रही है 75 की रफ्तार से। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले, ऐसी दशा में दोनों को मिलने में लगा समय बराबर, दोनों के बीच की दूरी ले लिया करिए बटा दोनों की चालों का योग ले लिया करिए, तो जो 135 होगा। आप बताएं दोनों की चालों का योग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों को मिलना है, जबकि अगर ये पीछा करना होता, मैंने इस चीज को बैठ में अच्छे से बताया है, आपको अच्छा से पता होगा, जब यही चीज पीछा करने की बात होती तो हम घटा करके यहाँ पर चाल डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसमें जो इंक्रीमेंटेड चाल होती केवल उतनी ही प्रभावी मानी जाती है। लेकिन जब दोनों मिलना चाहते हैं दूसरे को फोर्स करके एक दूसरे के साथ, तो बड़ी तेजी के साथ स्पीड आकर के जुड़ जाती है, तो ऐसे में दोनों के बीच की दूरी बटा दोनों की चालों का समय, चालों का योग आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको 2 घंटे प्राप्त होगा। 9 बजे के बाद 2 घंटे, 9 बजे से जर्नी कंपटीशन स्टार्ट हुआ, 2 घंटे आगे और बढ़े, तो 9 में से 2 अगर जोड़ दिया जाए तो 11 बजे दोनों रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे को मिल जाएंगी। 11 बजे जो आपको दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन में, इस प्रश्न का उत्तर होगा 11 बजे दोनों रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे को मिल जाएंगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए हैं। 330 की जर्नी थी, पहले 1 घंटे चल ली, मतलब 60 कवर कर ली, तब 9 बजे दूसरी चलनी शुरू हुई, ऐसे दौरान में दोनों के बीच की दूरी 270 बनी। विपरीत दिशा के समय में चालों को जोड़ दिया जाता है और जो बची दूरी उसको डिवाइड कर दिया चालों से, चालों के योग से, 2 घंटे का वक्त लग रहा आफ्टर 9 बजे के बाद, 9 बजे में 2 जोड़ देने से 11 बजे दोनों रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे को मिल जाएंगी किसी स्थान पर। इस प्रश्न का उत्तर आपका 11 बजे सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। आप मानिए, इसको नोट करिए, अगले प्रश्न पर आइए। ये देखिए, अब ज्योमेट्री के कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं बोर्ड पर, आप इसको भी ध्यान देने की कोशिश करिए। ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको बताने से पहले मैं एक बात की जानकारी दे दूं, अगर कभी कोई समकोण त्रिभुज को जो चाहे ऐसे बनाओ कहीं भी जहां समकोण बना हो, तो समकोण बनने को जो 2 भुजाएं होंगी, एक को हम आधार कहेंगे, दूसरे को हम लंब कहेंगे या ऊंचाई कहेंगे। इसी प्रकार से इसमें इसको आधार कहेंगे और इसको ऊंचाई कहेंगे। ऐसी दशा में जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वह 1/2 × आधार × ऊंचाई होता है। इस बात को आपको पता भी होगा और हम थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न है इसी अप्रोच पर डिपेंडेंट है। साथ साथ एक और बात मैं बता दूं, अगर कभी कोई समकोण त्रिभुज बनता है, तो जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं,
बाकी दोनों भुजाएं एक आधार होती है तो दूसरी लंब होती है, या फिक्स नहीं यही आधार है यही लंब है, दोनों में कोई आधार हो सकती है कोई लंब हो सकती है। ऐसे समय एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया कि जो कर्ण का वर्ग होगा वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसको हम पाइथागोरस का नियम कहते हैं, आधार का वर्ग। इस नियम का भी यूज किया जाएगा, इसलिए इन सारी बातों को हम पहले से आपको डिक्टेट कर देते हैं। मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रश्न के अनुसार समकोण त्रिभुज में इसने कहा जो सी है उस पर समकोण बना है, तो यहाँ पर आपको सी बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको आप ए कह दो तब इसको आप बी कह दीजिए, आप किसी को भी कह सकते हो, इसमें कोई फर्क की बात नहीं है। पी और पी ए बी पर सी शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई है, शीर्ष सी माना हमने, इससे मैंने ए बी पर एक लंब खींचा जिसका मान था पी, लंब मतलब वह रेखा जो जाके समकोण बनाए, इसको मैंने बैठ में पढ़ाया है ठीक है कि लंब कैसे बनता है, लंब बना ले जाकर के इस पर एक ऊंचाई की तरह काम कर रहा है पी। जिनकी भुजाएं एक्स वाई जेड क्रमशः बीसी एसी और एबी है, देखिए एबी बीसी, बीसी की बात अगर हम करें तो बीसी को हम एक्स कहेंगे, एसी की बात हम करेंगे तो एसी को हम वाई कहेंगे, और हम एबी की बात करेंगे तो इसको हम जेड कहेंगे, यह हमारे पास प्रत्येक भुजाएंगे। मतलब इसने कहा कि एक्स वाई जेड क्रमशः बीसी एबी और एसी, एसी और एबी, इस प्रकार से एक्स वाई जेड, इन तीनों के भी संबंधों की बात करें मैं लिख सकता हूँ पाइथागोरस नियम के अनुसार, क्योंकि यह समकोण है, मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखने में कोई समस्या नहीं, पाइथागोरस नियम के आधार पे लिख। इसने हमसे पूछा प्रश्न क्या है, इन निम्नलिखित में संबंध मतलब पी एक्स जेड में हमको संबंध ज्ञात करना है, अगर इस प्रकार के संबंध को ज्ञात करना तो सबसे पहला काम, मैं जानता हूँ कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है एरिया एक बटा दो गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार अगर हमने एक्स माना है ऊंचाई हमने वाई लिया है और दिया भी है लेकिन एक क्षेत्रफल निकालने की दूसरी पद्धति भी इसमें हमको ज्ञात हो रही है, अगर हम इसको आधार बना ले इस भुजा को, इस पर लंब पी होगा तो मैं यहीं पर क्षेत्रफल को रिलेट कर सकता हूँ एक बटा दो गुणे गुणे जेड, इसे रिलेट कर सकता हूँ। आप जैसे इसको आधार और इसको लंब मान रहे हैं तो उसी प्रकार से अगर हम इसको आधार मानेंगे तो मुझे इसको लंब लेना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात, एक बटा दो से कट गया तो पी का मान मेरे सामने हो जाएगा एक्स वाई बटा जेड, एक्स वाई बटा, कोई समस्या की बात नहीं हम लोग के सामने। अब आप देख पा रहे हैं xy तो as it is है, xy तो as it is है, बटा z को हम लिख सकते हैं x square plus y square बराबर आपके सामने p, अगर मैं इस p को 1 बटा p बना दूं अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर, 1 बटा मैं p बना दूं तो यह भी आपका x square plus y square बटा xy हो जाएगा, और ये क्यों हो जाएगा आप समझ रहे हैं, उल्टा किया प्रतीक को, और p था p बटा 1 था तो मैंने उसको a बटा p, दोनों पर। अब यहाँ पर एक बात मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक बात समझ पा रहा हूँ, तो यह एक जेड था, यह जेड था ना कि जेड स्क्वायर, इसलिए इसका मान रूट में होना चाहिए था, जो एक गलती थी अब हमने इसको सुधार दिया, यह भी गलती थी इसको हमने सुधार दिया, करेक्ट है। दोनों पक्षों का अगर मैं वर्ग करूंगा तो एक बटा बी स्क्वायर होगा, और इधर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का आपको पता है रूट था, रूट हट करके केवल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब अगर मैं इसको रिप्लेट कर दूं तो ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर आपका 1 बटा b स्क्वायर है। अब आप x स्क्वायर से काट दें, y स्क्वायर से काट दें, तो आपका संबंध 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से आप अच्छे से समझ पा सकते हैं, डी ऑप्शन 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 बटा y स्क्वायर बराबर 1 बटा b स्क्वायर, ये आपके सामने इस प्रश्न का सही रिलेशन होगा। अच्छा प्रश्न है, सही प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके के साथ आप इस प्रश्न का सही एनालिसिस, सही एप्लीकेशन कर सकते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोगों को हम देखते हैं क्लास में, मैंने इस चीज को अनुभव किया है, क्लास में होता क्या है कि जब थोड़ा सा क्रिटिकल प्रश्न होता है घबरा जाते हैं। मैं आप लोगों से यही बार बार कहते आया हूँ कि आप ये मत समझिए सब चीज आसान होती है, आपको जो चीजें टफनेस से मिलती है, थोड़ा कठिनाई से मिलती है, उसका वजूद उसका मूल्य जीवन में ज्यादा होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब तक प्रश्न आए तो अपने को गंभीर बनाएं, अपने आप को इरिटेट मत करें, समझें गंभीरता के साथ, इसका सारा एनालिसिस सारा ऑब्जर्वेशन करें, चीजें आपकी होंगी या हम इस बात की गारंटी लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप इतने आसान तरीके से सीख पाए तो आपको प्रॉब्लम आएगी, मुझे लगता है कि आप सब इस बात को भी समझ पाए हैं। आठवां नंबर फिनिश करके नौवें नंबर पर आते हैं, नौवां प्रश्न आपके सामने, देखिए एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा। यहाँ पर हमारे सामने चित्र एबीसीडी, एक चक्रीय चतुर्भुज की जानकारी मैंने कुछ दिन पहले भी अपने क्लास में दी थी। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी शीर्ष बिंदु वृत्त की सरफेस पर भुजाओं पर होते हैं, जैसे इस चतुर्भुज को चक्रीय कह सकते हैं।
चक्री चतुर्भुज की मैंने एक जानकारी दी थी आप लोगों को कि जो विपरीत कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, विपरीत कोण उनका 180 मतलब ए और सी मिलकर 180 होंगे, बी और डी भी मिलकर 180 होंगे। यह जानकारी हो गई। साथ ही साथ एक बात और मैंने आप लोगों को बताया था अपनी क्लास में, अगर कभी कोई वृत्त बने, वृत्त की एक भुजा जो व्यास हो मतलब त्रिज्या से होकर केंद्र से होकर जाए, उसके शीर्ष बिंदुओं से बना कोण हमेशा समकोण होता है, मतलब यहाँ समकोण बनता है। कुछ इसी प्रकार की जरूरत हमारे पास इस फिगर के माध्यम से आपको मैं देना चाहूंगा, आप लोग सब लोग इसको समझने की पूरी कोशिश करिए। कैसे? मैंने देखा कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज का, पहली जानकारी इससे हमको प्राप्त हुई। एबी व्यास है तो बहुत बड़ी जानकारी हुई। जैसे ही इतनी बड़ी जानकारी हुई तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्या होगा। व्यास है तो पक्का यह कोण 90 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि शीर्ष बिंदुओं से देखिए मैंने वह बात अभी आपको बता रही हूँ। चक्रीय चतुर्भुज के आधार पर अगर यह 150 है तो इसको आपको 30 होना कंपल्सरी हो गया, यह 30 हो गया, तो 90 और 30 जुड़कर 120 हुआ। हमसे BAC का मान पूछा था, मतलब इसका मान पूछा गया था। अब आप ओरल जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर दो कोण हमको 120 दे दिए गए मिला करके, तो जो बचा कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री ए ऑप्शन आप इस प्रश्न का सही उत्तर लगा सकते हैं। 60 डिग्री ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप लगाइए, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। उसके बाद हम लोग आते 10 नंबर पर। देखिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने होगा। 10 नंबर प्रश्न में बताने से पहले थोड़ी सी जानकारी, मैंने हालांकि अभी इसी टॉपिक को बहुत जल्दी बैच में आपके बताया है, और मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। इसमें क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप सीखेंगे थोड़ा समझेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किसी वृत्त पर, ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पर जानकारी लीजिएगा, अगर वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं, दोनों एक दूसरे को बाह्यता प्रतिच्छेद करें, बाह्यता अगर जाकर के दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास जीवाएं थी AB और CD, AB और CD, यहाँ पर इसने बाहर जाकर के बी पे प्रतिच्छेद किया, तो जो ऐसी दशा में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर जो नियम हमारे सामने बनेगा वह बनेगा PA, ध्यान दीजिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ तक, मतलब मैं लिखता हूँ PB into PA बराबर यहाँ से यहाँ तक, मतलब BD into BC यहाँ से यहाँ तक। यह नियम हमारे पास हमने क्लास में जल्दी बता रखा है, इसी नियम का प्रयोग मैं इस प्रश्न में करना चाहूंगा। सबसे पहले जानकारियां देखिए क्या क्या दिया, जैसे कहा AB 7 दिया है, और AB 7 दिया है आपके सामने, इसमें CD आपको दिया है 4 और PD आपको दिया है 10। अगर यह पूरी लेंथ 10 है तो आपको स्पष्ट हो गया होगी 6। अब आपसे इसने हमसे पूछा इस प्रश्न में TB का मान पूछा, मतलब इस पूरी लेंथ के बारे में हमसे जानकारी आपको देनी है। इसको पता करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, लेकिन इसको अगर हमने x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, मैं लिखूंगा यहाँ पर 7+x बुढ़े x नियम के आधार पर बराबर यहाँ पर मेरे सामने हो जाएगा 10 × 6। तो यहाँ पर यह हो गया x² + 7x बराबर 60 हम लिख सकते हैं, तो x² + 7x - 60 अगर हमने लिख दिया बराबर 0। अब आपको 60 यानी एक द्विघात समीकरण बन रहा है, 60 के ऐसे दो गुणनखंड बनाने पड़ेंगे जिसका जिसका जो है जोड़ या घटाव 7 हो जाए, जिसका जोड़ या घटाव 7 हो जाए। करते हैं 60 के दो गुणनखंड अगर हम लोग यहाँ पर प्लान कर लें, 2 × 4 = 12, 5 × 60 तो 5 × 10 × 20 नहीं, 5 × 10 = 3 × 6 सही नहीं है, 5 × 15 4 सही नहीं है, और हाँ देखिए 3 × 6 = 12, 12 × 5 = 60, 3 × 6 = 12, 12 × 5 = 60। और हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब अगर हम इसको फैक्टराइज करके करते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम द्विघात समीकरण का यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x² + 12x - 5x - 60। ऐसी दशा में अगर x मैं बाहर कर लूँ तो x + 12 हो जाएगा, जबकि अगर मैं -5 कर लूँ तो भी x + 12 हो जाएगा। मेरे पास हो गया x + 12, दूसरे में हो गया x - 5, इसका मतलब 0, तो x का मान हो जाएगा 5। अगर x का मान हो गया 5 तो हमको तो 5 नहीं बताना है ना, हमको तो यहाँ पर अगर इसको 5 लेना है तो 5 × 7 इसको पूरा 12 लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 12, लेकिन मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो, हल करने के दौरान यह कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं चाहूंगा कि ऑप्शन की मदद से इस प्रश्न का उत्तर कर लिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं यह साफ था ही, मतलब अगर हम इसको यहाँ पर प्लान करके चल रहे हैं, पूरे लेंथ को अगर हम लोग यहाँ पर प्लान करके चले, तो हम रख करके सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, जैसे इसी में हम इस समीकरण में रख करके देख सकते हैं। आपको पता है अगर मैं 15 लेता तो 7 तो पहले निकाल देता, 8 लेके देखना पड़ता, भाई 7 तो यहाँ ऑलरेडी थी, पूरी लेंथ की बात हमने किया था, 8 में रखता तो 8 × 7 = 15 होता, 15 × 8 = 60 नहीं होता, तो गलत हो जाता, इसको हम छोड़ते काट दें,
अगर मैं 12 लेता तो 12 में 7 निकाल दिया, 5 बचता, 5 7 12, 12 5 60। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन की मदद से निकाल के सकता था। मतलब आपको क्या करना था, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आप लोग को कि यह जो हमारे पास, यह जो हमारे पास बना था स्टैंडर्ड 7+x × x बराबर 10 × 6, आप इसी में x का मान सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन x का मान भी निर्धारित करने के लिए आपको 7 पहले हटा देना होगा। 7 हटाकर जो वैल्यू बचेगी अगर सब्स्टिट्यूट करिए, 7 जहां पे हो जा रहा है वही उस प्रश्न का उत्तर होगा। थोड़ा सा जैसे आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी ऐसे प्रश्नों को समझने के दौरान, करने के दौरान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आशा करता हूँ टॉपिक खूब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम लोग सामने आपके दूसरे के साथ मिलते रहेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब इन सब चीज़ों से बड़े ही सेटिस्फाइड, संतुष्ट होंगे। हम ऐसे ही श्रृंखलाओं के साथ आपके साथ मिलेंगे। आज की इस क्लास में बहुत बहुत